हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए धमाकेदार वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। यशाया 14 अध्याय के 12 वचन में लिखा हुआ है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जात जात को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिरा दिया गया है? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारा गढ़ से भी अधिक ऊंचा उठाऊंगा और उत्तर दिशा की इस छोर पर सभी पर्वत पर गिराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। आयत शैतान के लिए है। भोर के चमकने वाले तारे स्वर्गदूत के लिए है, शैतान लूसीफर के लिए। देखिए, शैतान लूसीफर अपने मन में सोचता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, और वह अपने मन में सोचता था कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से भी अधिक ऊंचा ऊंचा तारागढ़ से भी अधिक ऊंचा उठाऊंगा। शैतान सोचता था कि मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों में चढ़ूंगा, मैं सर्वशक्तिमान परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। यहेजकेल 18 अध्याय के 17 वचन में लिखा हुआ है, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। देखिए, परमेश्वर ने शैतान लूसीफर को इतना शक्तिशाली और सुंदर बनाया था कि अपने वैभव और पद के कारण वह घमंड से भर गया और वह परमेश्वर का सिंहासन छीनना चाहता था। मगर परमेश्वर पहले ही से जानता था कि इसके इरादे कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं, और परमेश्वर ने उसे इस भूमि पर पटक दिया था, यानी उसको परमेश्वर ने अपने स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर फेंक दिया था। और वह शैतान अपना सिंहासन परमेश्वर के ऊपर लाना चाहता है, जिसको परमेश्वर ने शैतान को नीचे जब गिराया था, तब उसके 7 करोड़ दुष्ट आत्माओं को भी गिराया था। और वही शैतानी दुष्ट आत्माएं हर एक मसीह को परीक्षा में डालती हैं, और वही शैतान आपको पाप में गिराता है। शैतान को मालूम है कि एक मसीही किस पाप में गिरता है, और वही शैतान उस मसीही के ऊपर वही तीर चलाता है, वही तीर उस मसीही को वेध कर चला जाता है। शैतान का मकसद यह है कि अपने साथ लाखों करोड़ों आत्माओं को नर्क में ले जाना, क्योंकि शैतान का न्याय तो परमेश्वर ने पहले ही से कर दिया था, क्योंकि वह उसमें अकेला जाना नहीं चाहता है। कुछ लोग यही सोचते होंगे कि जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं वे खुश रहते हैं और उन्हें किसी बात की घटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो सुनो, क्योंकि शैतान उन्हें इसलिए छूट देता है कि वे सच्चे परमेश्वर के पास जाने ना पाए। और जो शैतान की पूजा करते हैं और शैतान उन्हें वैभव देता है, और जो शैतान की पूजा करते हैं वह उन्हें स्वर्ग नहीं दे सकता है, क्योंकि यीशु ने कहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, यीशु मसीह को दिया गया है, क्योंकि शैतान के वश में कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करके स्वर्ग पहुंच सकते हैं, यीशु मसीह ही वह सीढ़ी है जो हमें स्वर्ग तक पहुंचा सकती है। आई होप, आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। आप सभी लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों के पास शेयर जरूर कर देना। आप सभी को जय मसीह की।